A very good morning to all friend. After long time, today I will discuss with you case of vaginal ulcer. एक 16 साल की लड़की है, 16 years old female girl, और उसको private part पर अल्सर हो गया, अच्छा खासा अल्सर हो गया है. तो उसके बाद में उसकी मदर वदर ने फोटो वोटो बताया था मुझे, काफ़ी बड़ा था वो. तो उसकी पेरेंट्स ने एक दिन पहले मुझे जाके बताया कि सर वो हमारी बच्ची को अल्सर हो, कुछ ऐसी नॉड वगैरह हो गई है और वो बहुत कहीं आने जाने बहुत शर्मा रही है, जा नहीं रही है. हमने दो तीन बार डॉक्टर्स को घर बुला के इलाज कराया पर वो जा नहीं रही है, बता भी नहीं रही है. हमने सारी प्रकार से प्रयास कर लिए हैं बाकी. तो मैं ठीक है, आप लाइएगा, उनको कहिएगा हम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो हमको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा. बच्ची को जैसे तैसे वो मना कर लेकर आया मेरे पास. और तो लड़की कहीं आने जाने में बहुत शर्मा रही है क्योंकि प्राइवेट पार्ट है, एज 16 to 17 है, तो बहुत शर्मा रही. तो बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के उसको लेकर आए क्लिनिक पर बैठी. यहाँ भी वो बैठने में इधर उधर मुँह कर रही है, शर्मा रही है, बात नजरें नहीं मिला रही है. तो मैंने बच्ची से पूछा, बेटा क्या हो रहा है? तो ठीक से बोली नहीं कुछ भी, बर्तन पलटा के ऐसे ऐसे मुँह में नाखून फंसाना, इधर उधर करना, ये तो क्लियर कट लग रहा था कि बच्ची शर्मा ज़्यादा रही है. तो मैंने उसकी मम्मी ने पूछा कि तो उसकी मम्मी ने बताया कि सर ये बस ऐसे ही करती है, शर्म के मारे हॉस्पिटल जाने रही बताने के लिए, वो तकलीफ़ बढ़ती जा रही है इसकी. मैं क्या करती है, मैं कितने दिन हो गए, बोले कुछ भी 15-20 दिन हो गए सर, और 15-20 दिन से ये अभी कुछ 10-12 दिन से तो ये ना बिस्तर भी पड़ी रहती है, उठती ही नहीं है. तो मैंने कहा कि क्या करती है, तो बोले कि सर सर ये इसको हम कहते हैं कि उठ के खुद जाके यूरिन कर ले तो करती नहीं है, बिस्तर पे ही पड़ी रहती है. तो मैंने पूछा बच्ची से फिर से कि बेटा क्या हो रहा है, दर्द वगैरह किसी का प्रॉब्लम बताइए थोड़ा सा. तो जैसे जैसे लड़की ने बोलना शुरू किया कि सर है ना मुझे ना इतना दर्द होता है कि मेरी उठने की इच्छा ही नहीं होती है, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं होता है. तो मैंने क्यों, तो बोले सर कि उठ के थोड़ा सा चलती हूँ दर्द होता है मुझे, वो दर्द होता है तो मुझे चलने में डर लगता है. तो मैं कैसा डर के मैं गिर जाऊंगी सर, तो मैं गिरने के डर से उठती नहीं हूँ, बिस्तर पे लेटी रहती हूँ, सारा काम बिस्तर पे मंगा लेती हूँ. तो मैंने उसकी मदर से पूछा कि फिर बाकी ये जनरली जो दूसरे काम है यूरिन वगैरह ये कौन करवाता है? तो बोले सर के ये भी हमको उठाकर बाथरूम में लेके जाना पड़ता है इसको, कि सारे काम ये बाथरूम यूरिन वगैरह सब हमको उठा के लेके जाना पड़ रहा है अंदर बाथरूम में, ये खुद नहीं जा रही है. तो मैंने कहा कि बाथरूम कितना दूर है घर से आपके? तो बोले कि सर जस्ट पास में जिस रूम में वही बाथरूम है, दो कदम पे इसके बाथरूम पर ये जा नहीं रही. तो मैंने पूछा बेटा क्यों? तो बोले सर कि मेरे को डर लगता है कि मैं बाथरूम जाऊंगी और उसके पहले गिर गई. तो मैंने कि मैं कब से हो रहा है? बोले कि डॉक्टर साहब ये जब भी जैसे जैसे हुई है इसको जो ये बना है एब्सेंस बढ़ रहा है उसके बाद से इसको यही प्रॉब्लम आ रही है. बस यही कहती कि मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी, उसको बाथरूम तक जाने में भी डर लग रहा है. तो मैंने कहा कि और कोई प्रॉब्लम? बोले कि सर यही प्रॉब्लम है बस, और चलने फिरने में अब और तो ठीक है. वो क्लिनिक किसी फोर व्हीलर में आई, फोर व्हीलर से उतर के उसके फादर ने उसको उठाया, उठाकर वो पूरे मेरे केबिन तक पापा की गोद में आई. ये बड़ा मुझे थोड़ा सा लगा कि गोद में ही आ रही है, गोद में ही सारे जो रूटीन वर्क कर रही है, यूरिन वगैरह सब स्टूल पास करना, ये सब उठा के लेके जाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है सीट पे, उसके बाद करती है. तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसको मैं मेडिसिन देता हूँ आपको, फिर आप मुझे 3 दिन बाद दिखाइए. हमने 3 डोज दिए और 3 डोज के बाद में पेशेंट को चलने के लिए कहा कि आप थोड़ा मुझे चल के बताइए. 3 डोज के बाद बाकायदा पेशेंट ने स्टेप लिए, चले. तो उसी मदर ने कहा सर 15 दिन में पहली बार ये खुद की इच्छा से चली है, उसको कोई डर नहीं लग रहा, अभी मैं आपके सामने भी बता रही हूँ. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो बहुत कॉमन रूबरिक है वो है टिमिडिटी बैशफुल या टिमिडिटी पब्लिक अबाउट इन अपेयरिंग. उसको पब्लिक में आने में ही डर लग रहा है, हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह जाने में ही बड़ी शर्म और जेब छूट रही है, तो कहीं जगह अपेयर होने में बड़ा शर्म आ रही है.
तो सबसे पहला और कॉमन रूब्रिक टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपेयरिंग, या और वो क्लिनिक पर भी हमारे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही, शर्मा रही, इतनी ज़्यादा झेप लग रहा है उसको बोलने में, क्योंकि प्राइवेट पार्ट का मैटर है ना, तो टिमिडिटी बेशफुल। एक और रूब्रिक अगर हम उसके जो हाव भाव थे वो बिल्कुल शर्माने जैसे थे, बिल्कुल शर्मा ही जा रही थी कंटिन्यू बिल्कुल। तो एक रूब्रिक है हमारे पास जेस्चर में, जेस्चर में शाय। अब ये चीज़ देखिए कि जब से उसको जो उसका अल्सर बढ़ा है उसके बाद से वो मूवमेंट सारे बंद कर दिए, वो बिस्तर पे ही पड़ी रहती है और उड़ती भी नहीं है, क्योंकि उड़ती है तो दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, रूटीन वर्क करने में दर्द होता है। तो एक रूब्रिक हमने यहाँ पर देखा, डिलीजन वर्क विल डू हार्म। इस रूब्रिक में पेशेंट को अपने जो वर्क है, रूटीन वर्क, उसी से उसको नुकसान होता है, वही उसी से वो उसको लगता है इस काम से मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ उसका काम ही उसको नुकसान पहुँचा रहा है, चलने से दर्द होता है, उठने से दर्द होता है, बैठने से दर्द होता है, थोड़ा सा पढ़ाई करते हुए सिर दुखने लग जाता है। कई पेशेंट ऐसा कहते हैं वो थोड़ा सा पढ़ाई करते हुए सिर दुखने लग जाता है, पढ़ाई क्या है, उसका वर्क है और वर्क ही उसको नुकसान कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसका उठना बैठना चलना वो वर्क जो था वही उसको नुकसान कर रहा है। तो ये रूब्रिक है हमारे पास डिलूजन वर्क विल डू हार्म। पेशेंट बिस्तर में क्यों पड़ी है, क्यों, क्योंकि गिरने का डर, फियर ऑफ फॉलिंग के डर की वजह से वो बिस्तर में पड़ी रहती, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, बिस्तर में ही पड़े रहने की इच्छा होती, उठने की इच्छा ही नहीं होती, क्यों, उठूंगी तो गिर जाऊंगी, बाथरूम तक पहुँच नहीं पाऊंगी, फियर ऑफ फॉलिंग। अब एक बड़ा ही अच्छा रूब्रिक है मेडिसिन का, कि दो सिरे हैं हमारे पास, एक उसका बिस्तर है और एक उसका बाथरूम है, उसको यहाँ से यहाँ तक आने का भी डर लग रहा है, इसके पहले ही वो गिर जाएगी, वो बिना गिरे यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, टिलिजन पास ही कुड नॉट पास अ सर्टेन पॉइंट ऑन वॉकिंग विदाउट फॉलिंग। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मैं बिना गिरे उस बाथरूम तक नहीं पहुँच सकती, या वहाँ पहुँचने के पहले ही मैं गिर सकती हूँ या गिर जाऊँगी या उस नहीं पहुँच सकती वहाँ तक बिना गिरे। तो ये रूब्रिक है, ये हम सिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो जनरल डिल्यूजन पास ही कुड नॉट पास अ सर्टेन पॉइंट ऑन वॉकिंग विदाउट फॉलिंग, ये सिंथेसिस का रूब्रिक है जिसमें पास ज़्यादा लगा हुआ है। और हाँ, अगर हम कंप्लीट में जाएंगे तो कंप्लीट में रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन प्लेसेस कैन नॉट पास अ सर्टेन पॉइंट विच लाइज अहेड हिम, बिना गिरे वो आगे नहीं बढ़ सकता है, बिना गिरे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो इस रूब्रिक को हम जनरली सेक्सुअल पेशेंट में कई जगह सुनने को मिलता है हमारे पास, कि पेशेंट इतने ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंट लॉस हो चुका होता है, इतने वो उनका जो आत्मविश्वास गिर जाता है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मेरी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको सेटिस्फाइड करने के पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, मैं फॉल हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ। तो ये भी वही एक रूब्रिक है कि भाई वो एक सर्टेन पॉइंट तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसके पहले ही गिर जाने का डर या गिर जाएगा। तो ये यहाँ पर इस रूब्रिक को इस बच्चे में अप्लाई किया। और हमने एक केस और है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो प्री मैच्योर इजेकुलेशन का पेशेंट है, जिसमें हमने इस रूब्रिक को लगाकर बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट लिए थे। तो देखिए कैसे लिंक बन रही है, फियर ऑफ फॉलिंग, वर्क विल डू हार्म, बेड डिजायरिंग इन बेड, टिमिडिटी बैशफुल, और डिलीजन पास ही कुड नॉट पास सर्टेन पॉइंट, मतलब वो नहीं पहुँच पाएगा। ये पूरी एक चेन चलती है। ये मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम को एंटिसिपेशन, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, उनको काम से पहले ही डर लगने लग जाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या इसके करने के पहले ही मैं गिर जाऊँगा। कई पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है और उसको चलने से दर्द होगा इसलिए वो गोद में आ रही है। तो ये क्या है, वर्क विल डू, हम चलना हमारा काम है और काम ही उसको तकलीफ दे रहा है, तो वो यूरिन वगैरह सब चीज़ें गोद में ही कर रही है, क्लिनिक पर भी गोद में आई हैं। तो ये उसको वर्क विल डू हार्म का कंडीशन है, जहाँ पे हमने पेशेंट को 3 डोज अर्जेंटम नाइट्रिकम के दिए और तकरीबन 45 मिनट के बाद जब हमने उसको चलाया तो उसने खुद से काफ़ी अच्छे स्टेप ले लिए। तो उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब 15 दिन में पहली बार ये के पैरों से चली है और
तकरीबन 5 दिन का फॉलोअप दिया हमने, 5 दिन में उसकी तकरीबन प्रॉब्लम 92-95% ठीक हो गई और लड़की बिल्कुल बिंदास चलने लग गई हमारे क्लिनिक में, खुद से चलकर वो हमें फॉलोअप देने आई। तो ये केस है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, बड़ी ही अच्छी फील्ड रहती है वर्क फील्ड, हम जैसे रूबरिक और को देखकर हम अच्छी केस सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम एक और इसका केस सॉल्व करेंगे जिसमें ड्यूरेंस पास का जो रूबरिक है सर्टेन पॉइंट वाला, उसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमारे पास इसके पेशेंट वर्जन आते हैं। तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम नेक्स्ट केस के साथ मिलेंगे उसके एक्सप्लेनेशन और उसके डीडी के साथ में। थैंक यू।